मकबूजा कश्मीर में काबिज भारतीय फौज ने हिजबुल मुजाहिदीन के मुजाहिद रियाज नायकू और उनके तीन साथियों को शहीद कर दिया, जिसके बाद वादी में हालात कशीदा हो गए हैं। भारतीय फौज की जानिब से कश्मीरियों पर फायरिंग, पैलेट गन और दीगर तशद्दुद का इस्तेमाल किया जा रहा है। कशीदा हालात के दौरान इवंतीपुरा में कश्मीरियों ने भारतीय फौजियों को घेरे में ले लिया। भारतीय हुकाम ने एक बार फिर मोबाइल और इंटरनेट सर्विसेज को बंद कर दिया है। 35 साल नियाज रायकू प्रोफेसर थे जो 2012 में हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हुए। भारतीय हुकाम ने रियाज नायकू के कत्ल पर 12 लाख रुपए का इनाम रखा था। रियाज नायकू मुजाहिदीन के कमांडर बुरहान वानी के करीबी साथी थे। मार्च के महीने से अब तक 36 मुजाहिदीन को शहीद किया जा चुका है। साल 2019 के महीने अगस्त से भारत ने कश्मीर की खसूसी हैसियत खत्म और निहत्ते कश्मीरियों पर कर्फ्यू, तशद्दुद और इंटरनेट सहूलियात बंद रखी हैं। एक बार फिर कशीदा सूरतेहाल के मद्देनजर खित्ते की अमन व अमान के हालात मुतासिर हो सकते हैं।